राधे राधे दोस्तों, आज मैं आ गई हूँ श्री राधा रमण बिहारी मंदिर जो कि लखनऊ में है। जैसे ही आप लुलु मॉल पे आएंगे, लुलु मॉल के जस्ट पीछे इस्कॉन टेम्पल के नाम से बहुत फेमस है। तो अगर आप इस जगह पे कभी नहीं आए हैं तो मैंने सोचा मैं आपके लिए एक ब्लॉग बनाती हूँ और दिखाती हूँ यहाँ पे क्या क्या है। बहुत खूबसूरत टेम्पल है, तो चलिए फटाफट अंदर लेके चलते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए नए आए तो हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करा दीजिए अपने सारे दोस्तों से मिल के, क्योंकि मैं लखनऊ का खाना मतलब लखनऊ के हर एक वो जगह लेके जाती हूँ जहाँ पे आपको विजिट करना चाहिए, आपको जाना चाहिए। तो फटाफट अभी अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं और राधा रमण के दर्शन कराते हैं। तो बोलो अभी जाते जाते कमेंट कर दो राधे राधे। तो ये है भैया यहाँ का एंट्री गेट। जैसे ही आप लुलु मॉल के पीछे आएंगे, आपको लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप यहाँ से एंट्री कर सकते हैं और देखेंगे बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। इससे पहले मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे, तो मैंने सोचा आज आपके लिए एक व्लॉग बना लेती हूँ। आपसे मैं एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। यहाँ पे देख रही थी मैं, क्या सच में भगवान है? मृत किसकी होती है? भगवान निराकार है या फिर हमारी आपकी तरह साकार है? ना चाहते हुए भैया हम दुखी क्यों होते हैं? बुरे लोगों को दंड क्यों नहीं मिलता? बुरी घटनाएं अच्छे लोगों के साथ क्यों नहीं घटती? इन सारे सवाल का जवाब अगर आपके पास है और नहीं है तो आप यहाँ के हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो अगर आप यहाँ आते हो तो यहाँ सत्संग भी होता है शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच। इस इस्कॉन टेम्पल में ऑलरेडी ये बन रहा है, यहाँ पर काम चल रहा है जो कि बहुत भव्य बनने वाला है। अभी आपको ले कर चलते हैं अंदर, आपको दिखा देती हूँ। ये मंदिर का परिसर है जो बहुत खूबसूरत बना हुआ है, ये देखिए। ये चले अंदर लेके चलते हैं आपको। ये देखिए बहुत ही ज्यादा हरा भरा, आने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे गौ सेवा भी होती है। तो अगर आपके पास गौ सेवा करना चाहते हैं आप आ सकते हैं, इनके लिए बहुत सारा चारा वारा खाना कुछ भी लेके और इन्हें आप खिला सकते हैं। तो ये देखिए तो अभी मुझे मेरे फॉलोअर मिल गए। जैसे ही मैं अभी आई थी गाय को खिलाने के लिए, तो बोलते हैं आप चैनल बनाती है ना, तो आप कब देख रहे हैं मुझे फॉलो करते हैं? तो ये बहुत अच्छा लगता है कि मुझे मेरे फॉलोअर्स मिल जाते हैं। तो ऐसे ही आप भी मुझे मिल सकते हैं कहीं पे भी। सही हम जा रहे थे, हमें प्रसाद भी दिया यहाँ का, और यहाँ का प्रसाद बहुत अच्छा होता है। तो आज हम प्रसाद खाएंगे, ये देखो ऐसे रखो बेटा, यही लगाते हैं हम। अगर आपने ये प्रसाद खा लिया भाई बहुत बढ़िया। मैं चाहती हूँ मुझे हर रात को ऐसी खिचड़ी खाने को मिल जाए जो मेरा अच्छा रहेगा। ये देखिए जैसे यहाँ हो गए, ये प्रसाद आपको मिलेगा, बहुत स्वादिष्ट होता है भाई, बहुत स्वादिष्ट। तो फाइनली मैंने दर्शन कर लिए हैं और बहुत अच्छे से दर्शन हो गया। अभी आरती का वक्त हो गया तो मंदिर बंद हो रहा था। अब मैं जाऊंगी थोड़ी देर यहाँ पे बैठूंगी, क्योंकि ये एक पीस वाली प्लेस है मेरे लिए। जब भी मैं आती हूँ खाली होकर काम खत्म करके, तो मैं यहाँ पे आराम से बैठती हूँ। तो आप भी आइए, बहुत अच्छा लगेगा। लोकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दी है। और उसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ भर भर के शेयर करिए। और मैं इन्फॉर्मेशन देती रहती हूँ लखनऊ के रिगार्डिंग, लखनऊ के बाहर का भी कंटेंट दिखाऊंगी। बहुत बढ़िया, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत प्यारा मंदिर है। आइए भर भर के, अपने दोस्तों को भी यहाँ पे लेके आइए। एक सुकून की तलाश में अगर है तो मैं आपको बोलूँगी आप ज़रूर यहाँ पर आइए। हम मिलेंगे किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। आप अपना ध्यान रखिए। हरे कृष्णा हरे रामा।